नमस्कार, होम किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश बनाने जा रही हूँ जिससे सफर के दौरान जब आदमी को उल्टी वगैरह होती है तो उसमें ये बहुत काम आएगी सुपारी। इसके लिए हमने कम से कम 150 ग्राम छुहारे लिए हैं, ये सूखे छुहारे हैं, और ये पानी दिया है मैंने। इसमें नींबू डाल के इसको हमको कम से कम 5-6 घंटे के लिए भिगो के रखना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएंगे मैं आपको दिखाऊँ। छुहारे भिगो लिए थे और ये इस तरह से हो गए। अब हम इनको आप अपनी इच्छा से जैसे भी इनके ऐसे टॉप्स काट के और इनको बारीक बारीक काटना है। इनकी गुठलियां अलग कर देनी है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके अंदर हमने ये मसाले डालने हैं। इसमें ये सेंधा नमक है, काला नमक, जीरा, अजवाइन, सौंफ, थोड़ी दालचीनी, काली मिर्च, अदरक का पाउडर, हींग, चाट मसाला और थोड़ी चीनी है। इन सबको हमें बाद में ग्राइंड करना है, पहले इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करना है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये जो छुहारे थे हमने इनके बीज निकाल के इनको इस तरह से काट दिए हैं, और जो हमने वो मसाला संग्रह करा था उसको ग्राइंड करके ये सब इसके अंदर डाल देंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए। इन सबको हम मिक्स कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल रही हूँ और इन सबको हम मिक्स करके इसको हम एक दिन के लिए या 2 दिन जितने भी लगेंगे इसको सुखाना है धूप में। अगर आपके पास धूप नहीं है तो आप पंखे के नीचे भी इसको आराम से सुखा सकते हो। ये हमने इसमें सारा मसाला डाल दिया है और नींबू का रस भी डाला है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डाली है। इसको आप अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही हो तो आप इसको छाया में पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। और इसको हमें बिल्कुल अच्छी तरह से सुखाना है। जब ये सूख जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनी। थोड़ा 1 चम्मच नींबू का रस डाला है और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल जिससे थोड़ा शाइन आ गई, और चीनी का थोड़ा सा पाउडर डाला है। और अब ये बिल्कुल खाने के लिए तैयार है। आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब कभी आपको सफर में जाना हो तो इसे खाएं। अगर आपको इससे कोई फायदा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इसको लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।